क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है वो हमें कुछ और ही ऊंचाई पे ले जाने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम से हम जब स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे जा रहे हैं तो सर की भी एक नई गाइडेंस हमें मिली है कि आज का जो सब्जेक्ट है वो है कन्वे योर मैसेज। हाँ, तो अब तक हम जो मैसेज ले रहे थे किसी और से मांग रहे थे, अब हमें खुद मैसेज को लेने के लिए तैयार रहना है, डिवाइन से हमें मैसेज पाना है। और अब हमारी जर्नी जब पैसेंजर नहीं लेकिन मैसेंजर के रूप में होनी चाहिए, ये आज का एक बहुत बड़ा फंडा है कि आते हैं जाते हैं आते जाते रहते हैं, वो हम इस धरती पे जो पैसेंजर बन के आए हैं, अब हमें पैसेंजर को ये रूप को मिटाकर अब हमें मैसेंजर बनना है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल आज का सब्जेक्ट है, वो एक हम समझते हैं कि एक गेम के रूप में हम करेंगे। यहाँ पे ज्यादा गाइडेंस नहीं मिलेगा, यहाँ पे खुद हमें मैसेज लेना है। समझ लीजिए, जब आप डिवाइन से जुड़ते हो, जब आप कनेक्ट होते हो, जब आप प्रेयर करते हो, तो डायरेक्ट डिवाइन हमारा जो माइंड है वो हमें कुछ ना कुछ गाइडेंस देता है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देता है। तो दैट इज अ परफेक्ट मैसेज फ्रॉम डिवाइन। तो वो मैसेज को हमें लेना है, खुद के लिए भी हम ले सकते हैं, औरों के लिए भी हम ले सकते हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स के लिए भी ले सकते हैं। तो आज का हमें यही काम करना है कि हमें मैसेज लेना है। आज से हमें हमारी प्रेयर का पूरा फॉर्म चेंज करना है। आज तक हम प्रेयर जो भी करते थे उसमें एक पॉइंट और एड ऑन करना है, भगवान से मैसेज लेना है, लेने की कोशिश करनी है, भगवान से परमात्मा से बोलना है कि हमें कुछ गाइडेंस दो, हमें कुछ मैसेज दो, खुद के लिए मैसेज दो, कोई अपने परिवार के सभ्य है उनके लिए अगर मैसेज लेना चाहते हो तो डिवाइन से वो भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो जो भी मैसेज आता है स्पॉन्टेनियसली, जो भी हमें विचार आता है उस पे पूरा ध्यान लगाना है, पूरा रिसीव करना है, वहां पे अपना माइंड नहीं चलाना है, अपनी बुद्धि नहीं माननी है, सिर्फ वहां पे डाउट नहीं करना है, एज इट इज वो मैसेज को हमें ग्रहण करना है। धीरे 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 जैसे हम ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, हम ये एक्सरसाइज करते जाएंगे, धीरे धीरे अब हमें मांगना नहीं पड़ेगा, अब फिर जाकर हम एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएंगे कि ऑटोमेटिक डिवाइन आपको मैसेज देगा कोई और के लिए, खुद के लिए, फैमिली के लिए, कोई और किसी नीडेड पर्सन के लिए आपके थ्रू मैसेज कन्वे होता जाएगा। जब ये एक्सरसाइज हम रेगुलरली करेंगे, कंटिन्यूअस करते जाएंगे, तो उसमें हम मास्टर बनते जाएंगे। तो अब से हमें क्या बनना है, खुद का मास्टर बनना है। अब पैसेंजर मिट कर हमें मैसेंजर बनना है, मास्टर बनना है, मैसेज को रिसीव करना है। इतने स्वार्थी भी नहीं बनना है कि सिर्फ मेरे लिए ही मैं करूँ, किसी और के लिए भी करना है, क्योंकि अब हम एक वाईफाई कनेक्शन में आ गए, एक सैटेलाइट बन जाना है और सबकी फ्रीक्वेंसी को हमें कैच करना है। तो ये ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज एक्चुअली तो बड़ी बड़ी रिट्रीट में होती है, बड़ी बड़ी शिविर में होती है, लेकिन सर की गाइडेंस से आज हम इस प्लेटफॉर्म से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज जो हम रेगुलर रिलैक्सेशन करवाते थे स्टार्टिंग में, वो हम नहीं करेंगे। मैंने ये आपको आज का जो सब्जेक्ट है, आज हमें क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या गाइडेंस, आज तक हम गाइडेंस लेते थे किसी और के पास से, किसी की स्पीच से, किसी कोई कोई स्पीकर आपको देता था। अब आपको ये कैपेबल बनना है, डायरेक्ट हम डाउनलोड कर पाए, डायरेक्ट हम मैसेज को डिवाइन से ले पाए। और यहाँ पे हमें जो भी मैसेज आता है, धीरे 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 हम उसमें डेप्थ में जा पाएंगे। पहले जो कुछ भी आता है ये मत सोचो कि ये मेरे माइंड का उपजाया हुआ है, डायरेक्ट समझ लीजिए कि ये डिवाइन का है। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट का ध्यान रखना है, डिवाइन
परमात्मा या भगवान, गुरु, कहीं से भी हायर कॉन्शियसनेस से जो हमें मैसेज मिलते हैं, इसमें कभी भी नेगेटिव मैसेज नहीं होते हैं, कभी भी नेगेटिव आपको मैसेज नहीं मिलते हैं। तो जब इतना आप समझ फर्क समझ सकते हो कि अगर कोई नेगेटिव बात आती है, अगर कोई ईर्ष्या जलन वाली बात आती है, अगर कोई ऐसी कंपटीशन वाली बात माइंड में आती है, तो समझ लीजिए माइंड की प्रोडक्ट है ये। आपका माइंड अभी भी सरेंडर नहीं हुआ है। माइंड को पूरी तरह से सरेंडर होने दीजिए, देन आफ्टर डिवाइन विल गिव यू परफेक्ट मैसेज इन पॉजिटिव वे। डिवाइन कभी नेगेटिव मैसेज कभी भी नहीं देता है। तो इतना सिर्फ हमको फर्क समझने की जरूरत है। जो भी डिवाइन का मैसेज आता है, एज इट इज रिसीव कीजिए विदाउट एनी डाउट। कोई भी ऐसी डाउट मत रखिए। और सबसे पहली बात तो ये भी डाउट मत रखिए कि मेरी इतनी साधना कहाँ कि मुझे मैसेज मिले, राइट? क्योंकि मैसेज तो पूरा यूनिवर्स देने के लिए तैयार है सबको, सिर्फ रिसीव करने की जरूरत है, रिसीवर मोड में आना है। तो आज हम बहुत ब्यूटीफुली मैसेज को रिसीव करेंगे। और आज यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, यहाँ पे 26 है, सबको मैसेज मिलेगा। और जितने भी आगे जुड़ते जाएंगे, डिवाइन सब को मैसेज देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा है, गुरु का गाइडेंस है। हम बारी बारी मैसेज को लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रिलैक्स करवाऊंगी, मतलब सुषुम्ना में जाके हम पूरी तरह से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। कनेक्ट होकर हमें किसके लिए, सबसे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। आप सबको मेरे लिए मैसेज लेना है, एक डेमो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। इसमें सबको मेरे लिए कोई ना कोई मैसेज लेना है, और देन आफ्टर आपको चैट बॉक्स में चैट करना है या लिख देना है। जो छोटा सा मैसेज आए, कोई भी फॉर्म में, कोई भी लैंग्वेज में, आप लिख के एक सिर्फ बता सकते हो कि मुझे ये एक शब्द मिला, ये एक सेंटेंस मिला, ये एक मैसेज मिला। ये सिर्फ हमारी एक्सरसाइज है, राइट? तो चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो, या तो हैंड रेज करके आप बता सकते हो। हो सके तो अपना वीडियो ऑन रख सकते हो। और देन आफ्टर सेकंड एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट में हम ये करेंगे कि एक बार तो जैसे एक प्रैक्टिस हो गई कि मेरे लिए आपने मैसेज लिया है, अब प्रैक्टिस हो गई तो उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। और आपको और किसी के लिए मैसेज लेना है जो हमारे एसकेएम यहाँ पे जूम पार्टिसिपेंट से, उसमें से भी ले सकते हो। उनमें किसी के लिए आपको मैसेज मिलेगा, या अपनी खुद की फैमिली मेंबर्स के लिए भी आप मैसेज को रिसीव कर सकते हो। तो आपका इंटेंशन इतना प्योर होगा, इतना कॉन्सेंट्रेटेड इंटेंशन रहेगा कि मैसेज अपने आप आपको मिलेगा। एक सोच के फॉर्म में मिलेगा, कोई विजुअल के फॉर्म में मिलेगा, कैसे भी एक शब्द के फॉर्म में मिलेगा, कैसे भी आपको मैसेज मिलेगा ही मिलेगा। तो सिर्फ अपने आप पे पूरी तरह से भरोसा रखिए। जी बोलिए। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए मैसेज ले लेंगे, वो एक्सरसाइज कर लेंगे, पर उसके बाद खुद के लिए पहले ट्राई कर सकते हैं मैसेज लेने की, के दूसरों के लिए ही पहले लेंगे? हाँ, खुद के लिए भी ले सकते हैं। सेकंड राउंड में हम कोई भी वहां हाँ, पे मतलब खुद के लिए एक बार लेंगे तो कुछ आइडिया आता है ना? ओके, मतलब हमें एक्चुअली तीन एक्सरसाइज करनी है। ओके ओके ओके। एक बार मेरे लिए, एक बार खुद के लिए, एक बार और किसी अपने अंगत पर्सन के लिए। ओके ओके ओके, थैंक यू। यहाँ पे ज्यादा मेडिटेशन नहीं रहेगा, मैं गाइड करती जाऊंगी। एक दो मिनट का हम पोज लेंगे, उसमें पूरे साइलेंस में हम डिवाइन के साथ कनेक्ट होंगे। और जो भी मैसेज मिलता है आपको, अगर जल्दी मिल जाता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, और नहीं तो फिर वेट कर सकते हो। ओके, तो हम स्टार्ट करें। बात समझ में आ गई सबको? ओके।
Sit in comfortable position. Gently close your eyes. धीरे से अपनी आंखें बंद कर अपना ध्यान आती जाती सांसों पे अपना पूरा ध्यान गहराई से आती जाती सांसों पे breathe in and breathe out breathe in and breathe out अंदर जाती हुई सांस आपके शरीर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को फैला रही है बाहर निकलती हुई सांस आपके शरीर में सब कचरे को निकाल कर जगह बना रही है गहराई से अंदर जाती हुई सांस देखिए धीरे धीरे आपकी नाड़ी को टच कर रही है आपकी ईड़ा नाली और पिंगला नाड़ी महसूस करें ठंडी गरम ये हवा अंदर जाती बाहर निकलती हुई धीरे धीरे मध्य में जा रही है गहरी सांसें लेते रहिए और विजुलाइज करें जैसे दोनों नॉस्ट्रल से आती हुई हवा मध्य में पहुंच रही और आपकी मध्य नाड़ी सुषुम्ना एक्टिव हो रही है लंबी गहरी सांस लेते रहे फील करें बिलीव करें जैसे आपकी सुषुम्ना एक्टिव हो रही है आपका पूरा ध्यान पूरा फोकस इसी मध्य नाड़ी पे इसी थर्ड हार्ट चक्र पे अपने आप को पूरी तरह से कनेक्ट होता हुआ देखिए अपने भगवान के साथ ईश्वर के साथ परमपिता परमात्मा जो पूरे जग का पालनहार है इनवॉक करें सभी डिवाइन एनर्जी को अपने इष्ट देव के फॉर्म में अपने गुरु के फॉर्म में साई का आवाहन
महावतार बाबा जी का आवाहन। राधे कृष्णा, लक्ष्मी नारायण, गणेश जी, हनुमान जी, माँ सरस्वती, शिव शक्ति, पंच महाभूत, नवग्रह, पूरे भाव के साथ एंजल्स का आवाहन करें, रेकी करुणा रेकी की शक्ति का आवाहन करें, सभी डिवाइन कॉन्शियसनेस जो संत गुरु ऋषि मुनि तपस्वी के फॉर्म में, मास्टर्स के फॉर्म में, सभी डिवाइन कॉन्शियसनेस का आवाहन करते रहे, और प्रार्थना करें, हे ईश्वर, सालों से, जन्मों से, जन्मों जन्म से, जन्म मरण के इस फेरे के चक्कर लगा रहे हैं, सिर्फ पैसेंजर बनकर, सिर्फ यात्री बनकर आते जाते रहे, हे ईश्वर, अब इतनी कृपा करो, अब हम मैसेंजर बनना चाहते हैं, आपसे मिले हुए मैसेज को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, हे परमात्मा, इतनी कृपा करो हम मैसेज को ग्रहण कर पाए, रिसीव कर पाए, डिकोड कर पाए। आज हम पूरी तरह से सरेंडर है, पूरी तरह से समर्पित है, पूरे भरोसे के साथ, 100% ट्रस्ट के साथ, we all are open to receive divine message, you all are connected with divine, you can receive the message for me, divine guide you,
जैसे ही आपको मैसेज मिल चुका है, जिस भी फॉर्म में आपको मैसेज मिला हो, रिसीव इट, ट्राई टू डिकोड इट, समझने की कोशिश करें। धीरे धीरे मैसेज के लिए धन्यवाद करते हुए आप धीरे से अपनी आंखें खोल कर सकते हैं। अगर किसी को मैसेज नहीं मिला है तो डोंट वरी, ये हमारी प्रैक्टिस का फर्स्ट सेशन है, हमें रेगुलर ये प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे हम मैसेंजर बन जाएंगे। धीरे धीरे कोई भी काम में शुरुआत होती है, कोई भी काम में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो जो भी बोलना चाहते हैं पहले उनका ले लेते हैं। अच्छा, या वेरी गुड, यहाँ पे चैट में बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिख रहे हैं, हम ये पहले मैं देख लेती हूँ। जसप्रीत जी ने बताया है कि स्पेंड मोर टाइम इन विथ योर इनर सेल्फ, यू विल ग्रो मोर स्पिरिचुअलिटी एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मेरे लिए जो मैसेज था, थैंक यू जसप्रीत जी। मुझे मेरे इनर के साथ ज्यादा रहना है, हेल्थ पे काम करना है। थैंक यू ये डिवाइन मैसेज के लिए, मैं उसका पूरी तरह से ध्यान रखूंगी ये बात का। संध्या जी को नो मैसेज है, कोई बात नहीं, ये हमारी प्रैक्टिस है तो हमें रेगुलरली ये काम करना है, खुद के लिए भी कर सकते हैं। रश्मि जी बता रही है मेरे फेस के अलावा कुछ दिखा नहीं, उसका मतलब है कि आगे जाके हो सकता है। संदीप जी बता रहे हैं यू आर इन द राइट पाथ, कंटिन्यू द प्रोसेस, मैं जो कर रही हूँ उसमें मुझे आगे जाना है, थैंक यू वेरी मच। आरती जी ने बताया मुझे तो एक जलपरी नजर आई एंड देन आई सो मैरिलियन मोनरो। ओके, इसका डिकोड करना है, जो कोई भी कभी कभी मैसेज जो है वो संकेत में आते हैं। कविता जी ने बताया आपके लिए गुड है। दीपा जी, योर वर्थ इज फार देन व्हाट यू बिलीव, यू आर फार मोर वर्थी, थैंक यू। हिरल जी ने बताया सन की उपासना ज्यादा करिए एंड हील मोर योर वाटर एलिमेंट, थैंक यू हिरल जी। वाओ, कितने प्यारे प्यारे मैसेजेस मिले हैं जो कभी हम खुद के लिए नहीं देख सकते हैं, जो और कोई देख सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक टेक्निक है, अच्छी एक एक्सरसाइज है। जसमीत जी की किडनी, कविता जी ने लिखा है जसमीत जी की किडनी बेटर, अच्छा है, किसी और के लिए उनको मैसेज मिला है। अब हम लेते हैं जिसके हैंड रेज है। जसमीत कौर बताइए, आपने फिर से म्यूट कर दिया। हाँ, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जसमीत जी, पद्मा आंटी, स्पिरिचुअल सोल, स्पिरिचुअल सोल, स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू वेरी मच।
ऐसे देखो धीरे धीरे कोई ना कोई छोटे छोटे फॉर्म में भी हमें मिल जाएंगे कोई ना कोई मैसेज आर के। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही। हाँ मेरा मेरे मेरी समझ में ऐसे है कि जितना हम क्रिस्टलों के साथ अपना ज्यादा अभ्यास करते हैं तो हम इनर में ज्यादा जाते हैं और हमें ज्यादा दिखाई देता है, ज्यादा कुछ, जब जितना ज्यादा अभ्यास हम क्रिस्टल के साथ करते हैं। क्रिस्टल के साथ। अच्छा, क्रिस्टल एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है, राइट। क्रिस्टल के साथ उनका मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। सूरता, सुरतावी पटेल, हाँ, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। मुझे इनर में जाना है, मेरा सेकंड डे ही है अभी। ओके, ओके। हैंड रेज में और कोई नहीं है तो ये देखो, हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज की जिसमें मैंने मेरे लिए बताया कि क्योंकि मुझे देख रहे थे तो अभी माइंड में वो ही होगा, तो इसलिए एक बार मेरा ध्यान कर लिया तो मेरे लिए मैसेज ले लिया, राइट। अभी क्या है कि अभी खुद के लिए मैसेज देना है। अभी फिर से हम छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, फिर से हम सुषुम्ना पे जाएंगे और फिर से हम डिवाइन से कनेक्ट होकर हम अपने लिए, खुद के लिए मैसेज लेंगे। तो खुद के लिए मैसेज लेने के लिए पूरे भाव के साथ, पूरे इंटेंशन लगा दीजिए कि आज तो मुझे कुछ ना कुछ डिवाइन को देना है। डिवाइन देने के लिए रेडी है, हमें सिर्फ रिसीव करना है। तो रिसीवर मोड में आ जाइए, आप के खुद के लिए या हेल्थ के लिए या वेल्थ के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलेगा। हम करें सेकेंड पार्ट। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसका भी हैंड रेज है तो प्लीज एक बार लो कर दीजिए ताकि सेकेंड राउंड में पता चले किसका हैंड रेज है। सो प्लीज सिट इन कंफर्टेबल पोजिशन। फिर से लंबी गहरी सांस। लंबी गहरी सांस लेते रहे। अपने आप को गहरी सांसों के साथ अपने ही डिवाइन से कनेक्ट हो जाए। देखिए अपनी, आपकी सुषुम्ना थर्ड आई से मिल चुकी है और थर्ड आई पे डिवाइन की डिवाइन एनर्जी एक छोटे से गाइडेंस के रूप में, एक मैसेज के फॉर्म में खुद के लिए मैसेज आपकी थर्ड आई पे। यू कैन रीड इट, यू कैन फील इट, यू कैन एक्सपीरियंस इट, यू कैन टॉक विथ योर गॉड,
विथ योर गुरु। मैसेज पाने के लिए आप कोई भी रास्ता अपना सकते हो। अपने गुरु भगवान के साथ बातें करें, क्वेश्चन आंसर करें, प्रार्थना करें, ध्यान करें और साइलेंस में जाए। जैसे ही आपको मैसेज खुद के लिए मिल चुका है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो या खुद के लिए स्वीकार कर सकते हो। जिसको अभी भी मैसेज नहीं मिला है, वो कनेक्ट होकर और गहराई में जा सकते हैं। धीरे धीरे नाउ यू आर मैसेंजर। ओपन योर आईज। आपको जो कोई भी मैसेज मिला है उसको अगर कोडेड फॉर्म में है तो आप डिकोड कर सकते हो खुद के लिए और लिख भी सकते हो। जितने भी आपको मैसेजेस मिले हैं खुद के लिए, अगर याद नहीं रहते हैं तो एक बार लिख दीजिए कहीं पे भी। यस, संध्या जी ने बताया आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी, नो नीड टू वरी। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डिवाइन पे सरेंडर है और जहां पे पूरा समर्पण भाव होता है नो स्पेस फॉर वरी। तो ये जैसे ऊपर से आता है ना, तो ये पूरी तरह से 100% सच होता है। और कोई भी अपना मैसेज, ये देखो ये पर्सनल मैसेज होता है, अगर नहीं बताना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर बताना भी चाहते हैं तो ये समझ में आता है कि कैसे मैसेज मिलते हैं। दीपा जी ने बताया इट इज टाइम फॉर मी टू गिव बैक, गॉड हैज बीन काइंड टू मी इन मैनी वेज, आई शुड स्टार्ट शेयरिंग। शेयरिंग के लिए उनको मैसेज मिला है तो, और जहां पे भी भटक गए थे तो वापिस आने के लिए भगवान ने, कृष्णा ने बुलाया है। तो ये बहुत बढ़िया मैसेज है कि खुद को एक एनर्जी मिलती है, खुद को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ डिवाइन मेरे साथ है और ऐसे ऐसे मैसेज मुझे मिले हैं। और जैसे आज तो हम बहुत एक अलग से डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, तो ये जो मैसेज है वो बहुत ब्यूटीफुल लाइफ टाइम के लिए आपके लिए मैसेज है। सरिका, रेडी टू रिसीविंग गॉड ब्लेसिंग्स। यस, आरती जी ने बताया आई सो नेशनल
एम्ब्लेम एंड देन आर्कएंजल फादर माइकल, वेरी नाइस। एंजल्स को, जैसे हम एंजल्स को पुकारते हैं, एंजल्स भी आते हैं हमारे पास, हमें मैसेज करते हैं, गाइड करते हैं और हमारी सुरक्षा भी करते हैं। कविता जी ने बताया इनर विजन फॉर स्पिरिचुअलिटी, वेरी नाइस। पद्मा जी, बताइए। I have to do more KR and PS regularly or with strong will. Yes. तो जैसे खुद के लिए, कोई और कहे ना कहे, हमारी आत्मा जब हमें कहती है, हमारी डिवाइन जब हमें कहती है, तो ये बात तो 100% सच होती है, हमारे लिए बहुत 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 नीडफुल रहेगी, तब ये आता है। मोटो जी 60, कनेक्ट टू पीपल। जैसे हम अकेले अकेले रहते हैं तो कनेक्ट टू पीपल, ये भी एक मैसेज मिला है। तो सबको ऐसे अलग अलग मैसेजेस मिलते हैं। मुझे क्या मिला है मैसेज, मैं भी बताना चाहती हूँ कि मुझे भी यही मैसेज मिला, जैसे आंटी जी ने बताया कि ये रेगुलर करना है, तो मुझे भी यही मैसेज मिला है कि मुझे जो मेरी साधना है उसमें मुझे रेगुलर बनना है। क्योंकि कभी कभी हम घर जॉब की ये काम काज में अवॉइड कर लेते हैं, टाइम का आगे पीछे भी कर लेते हैं, तो ये मुझे भी मैसेज मिला है कि मुझे हो सके इतना नियमित बनना है, रेगुलर मेंटेन करना है। तो ऐसे जो मैसेजेस हमें मिलते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए होते हैं, अच्छे होते हैं, जो हमारी वेल्थ के बारे में होते हैं, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी के बारे में होते हैं, तो ये हमें पाने की कोशिश करनी है। हर बार हम क्या है, दूसरों को सुनने में लगे रहते हैं, हर बार हम YouTube पे इसका लेक्चर, अच्छी बात है, लेकिन हम, क्योंकि हम भी तो वो डिवाइन से आए हैं, तो हमारे पास भी तो कोई ना कोई मैसेज होता है, हमारे खुद के लिए हमारे पास ज्यादा ज्ञान है, तो अब हमें अंदर जाने की कोशिश करनी है, खुद के लिए भी मैसेज लेना है। अब एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट थर्ड पार्ट हम करते हैं, किसी और के लिए मैसेज लेना है, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, चाहे वो झूम के पार्टिसिपेंट्स भी हो सकते हैं। और काफी बार तो ये भी होता है कि हम अननोन पर्सन की डाउनलोड करते हैं, किसको हम जानते भी नहीं है, उसका भी मैसेज हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसीलिए झूम के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हम चाहे जानते हैं या नहीं पहचानते, फिर भी अगर स्पॉन्टेनियसली अगर आता है तो इसके लिए भी हम मैसेज ग्रहण कर सकते हैं, अदरवाइज अपने फैमिली मेंबर्स के लिए या एक दूसरे के लिए। ओके, तो ये प्रैक्टिस है, तो बहुत बार हमें ये प्रैक्टिस करनी रहेगी, डेली करनी है। आज हमें ये प्रैक्टिस करते हैं, तो आइए क्लोज योर आईज। लंबी गहरी सांस, गहरी सांस, breathe in and breathe out. धीमी गहरी सांस, अनुभव कीजिए आपकी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी बैलेंस होती जा रही है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी मध्य में जाने के लिए तैयार। जैसे ही आपका पूरा भाव, प्योर इंटेंशन
शुद्ध भाव डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का, पूर्ण समर्पण यूनिवर्सल एनर्जी पे, और आपकी मध्य नाड़ी खुल रही है, एक्टिव हो रही है। जैसे ही आपकी सुषुम्ना एक्टिव, यू आर रेडी टू कनेक्ट विथ डिवाइन। यू आर रेडी टू डाउनलोड द मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन। You are totally surrender. You are totally blank. Everything downloaded from God, Guru, Masters. You can download the message for your connected people. For Zoom participants. You can download the message for SKM family. Or your own family members. आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हो मैसेज को ग्रहण करने के लिए, और डिवाइन अपने और से पूरी तरह से तैयार है आपसे जुड़ने के लिए। आप मैसेज का एक चैनल बन चुके हो। बिल्कुल निस्वार्थ भाव के साथ एक मैसेंजर के रूप में आप मैसेज को ग्रहण कर रहे हो। Full trust with full faith, pure intention. And full silence. बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज को रिसीव करने की आदत बन चुकी है। Now you are become messenger.
छोटा बड़ा कोई भी सवाल हो। आंख बंद करते ही, डिवाइन से जुड़ते ही आपको आंसर मिलता है, गाइडेंस मिलता है, मैसेज मिलता है। और उस मैसेज को आप पूरी तरह से फॉलो कर रहे हो। अब हर रोज ये एक्सरसाइज करने की आपको आदत बन लग चुकी है। प्रेयर के साथ डेली आपको मैसेज मिल रहा है और उस मैसेज को फॉलो कर आप खुद की उन्नति कर रहे हो, खुद का ग्रोथ कर रहे हो। जैसे निस्वार्थ भाव के साथ आज किसी और के लिए आपने मैसेज को डाउनलोड किया है, ऐसे ही हर हमेश लगातार प्रैक्टिस से, लगातार एक्सरसाइज करते हुए आप इजीली मैसेज को रिसीव और कन्वे करने के लिए सक्षम बन चुके हो। आपकी साधना इतनी बढ़ चुकी है, अब डिवाइन भी तरसता है आपको मैसेज देने के लिए। अब बहुत आसानी से सटीक मैसेज को डाउनलोड कर पा रहे हो। किसी अपने लव्ड वन के लिए आपने जो मैसेज मांगा था आपको मिल चुका है, उसके लिए धन्यवाद करें। अगर मैसेज नहीं भी मिला है तो डिवाइन से थोड़ी बहुत भी कनेक्शन हुई है, एनर्जी का आदान प्रदान हुआ है, इसके लिए धन्यवाद करें। सभी देवी देवता, गॉड, गुरु, मास्टर्स, जिनका भी हमने इन्वोकेशन किया है, जिनके लिए हमने मैसेज लिए है, दिए है, सबके लिए सबको धन्यवाद, शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड। इस ब्यूटीफुल एक्सरसाइज के लिए उदय सर का धन्यवाद, साईं करुणा मिशन की पूरी फैमिली, सब मेंबर्स का धन्यवाद। साईं का धन्यवाद करते हुए धीरे से अपने मैसेज को याद रखते हुए आप इसी प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हो, अपने आंखें खोल सकते हो। वेरी ब्यूटीफुल। जसप्रीत कौर मैडम को मैसेज मिला है, मैसेज फॉर ऑल। बाबा सेज माय लाइट इज ऑलवेज विथ यू,
Your master Uday sir taking you all on right path. Have faith in him and in you. खुद पे और उदय सर पे हमें पूरा ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है, और साईं बाबा हमेशा हमारे साथ है. आरती जी ने ग्रेटफुल टू एंटायर एसकेएम टीम, सबके लिए ग्रेटिट्यूड है. रश्मि जी सबको थैंक्स कर रहे हैं. ब्यूटीफुल. मंगला जी, we are protected by higher earth. Yes, संध्या जी बताइए. नीता जी, मुझे ऐसा मैसेज मिला कि पहले मैंने मेरे फैमिली के मेंबर के बारे में मैसेज मांगा कि आज मुझे मैसेज में रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, और मुझे आज मैसेज कुछ मेरे फैमिली के लिए दीजिए. तो उसमें एक ही बात आती थी कि सब कुछ बढ़िया है. हाँ. फिर मैंने उदय सर, पद्मा जी, सरोज जी, निशा जी वो चार के लिए क्या मैसेज है वो मैंने पूछा. अच्छा. तो उदय सर का तो ऐसे ध्यान में जो बैठते हैं वो पहले दिखे, और उसके लिए भी एक ही बात के उसके लिए क्या मैसेज, वो खुद ही बड़े मैसेंजर हैं. और पद्मा जी के लिए ऐसा आया कि हमेशा हंसते रहो. वो तो. और सरोज जी के लिए कुछ मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन निशा जी के बारे में भी मैंने मैसेज कि क्या मैसेज हो सकता है निशा जी के लिए. हाँ. तो उसमें ऐसा लगा कि थोड़ा वो तनाव में है, तो उसे वो उसकी वो जरूरत नहीं है, और बाद में ऐसा कि सब अच्छा है. तो मुझे आज मेरी फैमिली एसकेएम के ये जो है, क्योंकि हम लोग हमेशा साथ में बैठते ही है शाम को, तो थोड़ा लगाव ऐसे भी ऑनलाइन हो गया है. तो मैंने ये पूछा तो ये मेरे को बात बताई. और मैं जब भी मैं वो मैसेज के ये जो आप एक्सरसाइज करा रही थी ना, तो एक लाइट का ये फ्लो ऐसा प्रोटेक्शन पिरामिड जैसा वो ही मेरे आसपास था. तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन मैं ऐसा फील करती हूँ कि इसकी प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए. ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आज एकादशी कल है लेकिन आज दशम है. तो मैं स्वाध्याय परिवार से हूँ, तो आपको तो मालूम होगा क्योंकि पटेल लोग बहुत है और वलसाड़ में भी बहुत काम होता है. तो मैं आज भाव फेरी में जाती हूँ, तो वैसे भी मैं मैसेंजर का ही काम करती हूँ कि घर घर में जाके पहचानू के नहीं पहचानू, पर हम तीन जन के ग्रुप में घर घर में जाके जो हमारे पास जो विचार अच्छे हैं, जो हमें गुरु से मिले हैं, वो हम उसके साथ शेयरिंग करते हैं. और अगर कोई हमें एंट्री भी नहीं देता है तो भी हमें कुछ उसका गिला शिकवा नहीं होता है, क्योंकि हमें किसी ने इनविटेशन देके नहीं बुलाया है. तो हमारा ईगो इसमें बहुत डाइल्यूट होता है, ये शिक्षा इसमें हमें मिलती है. तो हम तो भगवान का, मैंने बोला भगवान का ही मैं तो इतने 40 साल से काम करती हूँ, भगवान आपका ही काम करती हूँ. अभी मुझे ये मैसेंजर बनना है. मैं पैसेंजर में से तो एक जगह पे हुई, लेकिन मुझे अभी मैसेंजर में ट्रांसफॉर्मेशन होना है कि आपके पास से डायरेक्ट जो आता है वो मैं कैसे कन्वे कर सकती हूँ. तो ये मैंने, आपने बोला था ना कि जरा बातें करो भगवान आपके गॉड के साथ, तो मैंने वो भी फॉलो किया. और मैं वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा से एक 15-20 मिनट बातें करती हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरे साथ ऐसा होता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो ये करती हूँ ना, तो उसमें मेरा अप डाउन होता है क्योंकि मेरी हेल्थ की वजह से. लेकिन जब भी मैं सुबह में बैठती हूँ ना, तो बैठती हूँ तो ज्यादा से ज्यादा दिन में बैठती हूँ, बहुत कम होता है. 15-20 दिन में एक दो दिन ऐसा खराब जाता है,
कि मुझे कुछ करने का मन नहीं होता है, तो तभी मुझे एक ही मैसेज मिलता है। मैं भगवान ने को पूछती हूँ कि मेरी लाइफ में कंफ्यूजन क्यों है, मैं क्यों मेरी फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी के लिए ये इतनी वरीज करती हूँ, टेंशन करती हूँ, तो क्यों मेरा बॉडी इतना हीलिंग करने के बाद, ये सब करने के बाद अच्छा नहीं होता है। तो मुझे भगवान बोलते हैं कि कहाँ तेरे को क्या प्रॉब्लम है, अभी तो तू सही बैठी है, वो सेम चीज मेरे को अभी भी आई। तो वो मेरे को आदत है कि मैं उसके साथ बात करती रहती हूँ कि यही जो मैसेज आपको मिला है ऑल इज वेल, यही मंत्र बना लीजिए। नहीं, ये तो 100% है कि अभी ऑल इज वेल ही है, सब कुछ अच्छा होने वाला है अभी। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत मजा आ गया। संदीप जी का एक मैसेज है कि ओम सिंबल उनको दिखा एंड कीप द फेथ एज यूजुअल। तो हमें सबसे ज्यादा देखो जितने भी मैसेजेस मिले हैं फेथ रखने के लिए मिले हैं, हम सही पाथ पे हैं और सही कार्य कर रहे हैं, नियमित रूप से करना है, छोड़ना नहीं है, बस यही तो मैसेज है। और इतने ब्यूटीफुल मैसेज जैसे हमें 5 मिनट में मिल सकते हैं, तो प्रार्थना के साथ साथ डेली एक मैसेज को हम डाउनलोड कर लेते हैं, तो हमारे पास गाइड कर जाएगा मैसेज के लिए। तो यही एक प्रैक्टिस है, ये हमारा होमवर्क है कि हमें प्रार्थना के साथ साथ अब मैसेज को डाउनलोड करना है और एंड ऑफ द डे में हमें पूछना है खुद को कि आज मुझे क्या मैसेज मिला। देखो हिना जी बोल रहे मुझे वायलेट लाइट दिखी, तो ये इतना ब्यूटीफुल, देखो इस 5-10 मिनट की इसमें भी हमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। तो अब डेली जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो परफेक्ट मैसेंजर बन जाएंगे। मोटो जी, दूसरों की नफरत को लव में कन्वर्ट करना है मुझे, यही मैसेज मिला है। और आरके, अपने गुरु जी का फेस दिखा तो गुरु जी की कृपा आप पे बनी रही है। तो देखो कितने ब्यूटीफुल मैसेज है और कितने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस सबके है। तो ये ही प्रैक्टिस हम बस 2-4 मिनट लगती है, तो हम डेली एक मैसेज को रिसीव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच आज के ब्यूटीफुल सेशन में, इतना मुझे सहयोग दिया आप सबने, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।